दोस्तों, आप लोग जिस फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं यानी कि Redmi Note 13 Pro 5G का, उसके लॉन्च डेट को लेकर के कुछ बड़ा अपडेट बाहर निकल के आ रहा है जो कि इस वीडियो में आपको बताएंगे। एकदम लेटेस्ट अपडेट आपको बताने वाले हैं कि ये फ़ोन आखिरकार कब लॉन्च होगा और कितने प्राइस पे लॉन्च होगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे डिटेल्स में बात करते हैं Redmi Note 13 Pro 5G के बारे में। सबसे पहले इस फ़ोन के लुक का बात करें तो फ़ोन दिखने में कुछ इस तरीके का ही होगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा और फोन बैक साइड से दिखने में बहुत अच्छा होने वाला है। ये बैक साइड से ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आएगा, एक LED फ्लैश मिलेगा और इसके बैक पैनल पे मार्बल टाइप का फिनिश रहेगा जिसके वजह से फ़ोन दिखने में बैक साइड से और ज़्यादा बढ़िया लगता है और इन हैंड फीलिंग में भी फ़ोन बहुत अच्छा होगा। वहीं फ़ोन फ्रंट साइड से फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा जो कि सेंटर पंचोल वाला होगा। साइड का बेजल्स और चिन बहुत कम रहेगा और फ़ोन दिखने में फ्रंट और बैक दोनों साइड से बहुत अच्छा फ़ोन होने वाला है। वहीं इसके डिस्प्ले का बात करें तो इसमें 6.6 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला एक OLED डिस्प्ले मिलेगा और ये सेंटर पंचोल वाला होगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी रहेगा और ये 1800 नीट्स तक के पीक ब्राइटनेस के भी साथ आएगा और इसमें 1920 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी रहेगा और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। तो देखिए, इससे क्लियर है कि फ़ोन डिस्प्ले वाइज बढ़िया होने वाला है। डिस्प्ले का टच सेंसिटिविटी, स्क्रोलिंग वगैरह बहुत बढ़िया रहेगा, फ़ोन चलाने में बहुत अच्छा होने वाला है और वीडियो वाचिंग में तो खैर बहुत तगड़ा होने वाला है। जब आप कोई भी हाई क्वालिटी का वीडियो प्ले करेंगे तो व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिलेगा। डिस्प्ले में फ़ोन आपको 100% सेटिस्फाइड करने वाला है। वहीं इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। वहीं प्रोसेसर का बात करें तो ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर के साथ आएगा जो कि 4 नैनोमीटर फेब्रिकेशन पर बना है, तो बैटरी इफिशियंट भी होगा और इसका एंटीटू स्कोर 6 लाख तक का रहने वाला है। तो देखिए, इससे क्लियर है कि फ़ोन परफॉर्मेंस में अच्छा होने वाला है। आप नॉर्मल सेटिंग्स पे गेमिंग करेंगे तो गेमिंग अच्छे से कर पाएंगे और एक नॉर्मल यूजर के लिए फ़ोन बहुत अच्छा होने वाला है। वहीं ये फ़ोन LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ ही आएगा, तो फ़ोन स्टोरेज और रैम टाइप में भी ठीक ठाक होने वाला है। आप कोई भी ऐप को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे या एक ऐप से दूसरे पे स्विच करेंगे तो ये सब चीज़ें अच्छे से होने वाला है। वहीं इसके कैमरा का बात करें तो ये फ़ोन रियर साइड से 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ आएगा जहाँ की OIS भी रहेगा और इसमें सैमसंग का HP3 सेंसर का यूज़ किया जाएगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा रहेगा, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा होगा और 16 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। फ़ोन कैमरा वाइज भी बढ़िया होने वाला है, खास करके जूमिंग में अच्छा होगा। जब आप कोई भी फोटो को जूम करके क्लिक करेंगे तो क्वालिटी को मेंटेन रखेगा और स्टेबलाइजेशन में भी बढ़िया रहेगा, OIS रहेगा, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे हाथ आपका अगर हिलेगा तो आपके वीडियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं इसके बैटरी का बात करें तो ये फ़ोन 5100mAh के बैटरी के साथ आएगा जहाँ 67W के फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी मिलेगा, तो फ़ोन बैटरी में अच्छा होने वाला है। और ये फ़ोन डुअल स्टूडियो स्पीकर डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के भी साथ आएगा और इसमें डेडिकेटेड 2 स्पीकर ग्रिल भी मिलेगा, तो फोन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में बहुत तगड़ा होने वाला है। वहीं ये फोन IP54 के रेटिंग के भी साथ आएगा और इसमें एक्स एक्सिस लीनियर मोटर का भी सपोर्ट मिलेगा, तो हैप्टिक फीडबैक में भी फोन बढ़िया होगा। और ये फोन वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.2 का कनेक्टिविटी के साथ आएगा और इसमें 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिलेगा और इसका थिकनेस 7.9mm रहेगा और इसका वेट 187 ग्राम होगा और इसमें NFC का भी सपोर्ट मिलेगा और ये IR ब्लास्टर के भी साथ आएगा। तो दोस्तों, यही सब पूरा डिटेल्स था ये Redmi Note 13 Pro 5G से रिलेटेड जो कि इस वीडियो में आपको बताए हैं। ये सब डिटेल्स से देखिए साफ क्लियर है कि फ़ोन सारे चीज़ों में बहुत अच्छा होने वाला है। वहीं इस फ़ोन के लॉन्च डेट का बात करें तो देखिए, गैजेट्स 360 और 91 मोबाइल्स के द्वारा बताया जा रहा है कि ये फ़ोन ग्लोबल मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है क्योंकि इसे NBTC के साइट पे देखा गया है। तो देखिए, इससे क्लियर है कि फ़ोन बहुत जल्द आने वाला है, बस इसका कोई फिक्स डेट अभी नहीं बताया जा रहा है कि ये फ़ोन इस डेट पर आएगा, बस इतना बताया जा रहा है कि बहुत जल्द आने वाला है। हो सके ये फ़ोन दिसंबर में लॉन्च हो जाए या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में ये फ़ोन लॉन्च हो जाए, लेकिन लॉन्च बहुत जल्द होने वाला है। वहीं इसके प्राइस का बात करें तो देखिए, इस फोन का प्राइस इंडियन मार्केट में मिनिमम 18,000 रहने वाला है। ये फोन 18K से कम के प्राइस पे लॉन्च नहीं होने वाला है। आप इस फोन को लेके सीरियस हैं तो 18K का टारगेट आप लेके ही चलिए। और देखिए, आप लोगों का हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि कोई फाइनल डेट बताओ कि किस डेट पे आएगा, कन्फर्म डेट बताओ। तो देखिए, कन्फर्म डेट और फाइनल डेट आएगा तब तो बताएंगे ना, जो न्यू अपडेट आता है वो सारा चीज़ आपको बताते हैं। तो जब फाइनल डेट आएगा, कन्फर्म डेट आएगा, तो वो डेट भी आपको बता ही देंगे। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो भी न्यू अपडेट आया था Redmi Note 13 Pro 5G से रिलेटेड, वो सारा अपडेट आपको बता दिए। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।